न्यूज की टीम ने कृष्ण गोपाल गौशाला पल्ली निरीक्षण किया। आवाज इंडिया न्यूज से गौशाला संचालक व गायक कलाकार ओम पल्ली ने खास बातचीत की। ओमसा ने कहा कि इस कलयुग के अंदर गौ सेवा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है। जो इंसान गौ माता की सेवा करेगा उसका परिवार हमेशा खुशी रहेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े संतों ने गायों की सेवा की है। जिन जिन महापुरुषों ने गौ माता की सेवा की है उनका बेड़ा इस भोसागर से पार हो गया है। जिन भामसा ने गौशाला में अपना तन मन धन से सहयोग दिया है उन सभी भामसा का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। वह ओम सा पल्ली ने आवाज इंडिया न्यूज को बधाई दी। सुब ग्राउंड जीरो से आवाज इंडिया न्यूज की विशेष रिपोर्ट अशोक कुमार पुनिया की। मैं हूं अशोक कुमार, आज मैं आपके साथ में लाइव हूं श्री कृष्ण गौशाला पल्ली से, और मेरे साथ में ये ओमसा है। ओमसा रात और दिन इस गौ माता के लिए ये मेहनत करते हैं। आज मैं आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा हूं, क्योंकि रात और दिन आप ओमसा को देखते हो फेसबुक के जरिए लाइव पे, बोलते हैं कि पैसे दो पैसे दो। आप सोचते हो कि ओमसा पैसों से क्या कर रहे हैं, और ओमसा पैसों से इस गौ माता को देखो कितनी आपके सामने खड़ी है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मैंने आज खुद यहाँ कर देखा, मैंने देखा था खरीके क्या व्यवस्था, क्या व्यवस्था नहीं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ओम साहब को कि आप दिन और रात मेहनत करके आप गौ माता के लिए हमेशा तत्पर रहते हो। अब मेरे साथ ओम साहब, ओम साहब थोड़ा आप हमारे बस हो, क्या बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों सभी को, देखने वालों को, और बहुत बहुत आभार अशोक साहब को। कृष्ण गोपाल गौशाला पली हूँ लाइफ है, और बहुत बहुत धन्यवाद है, वहाँ का आभार है। देखो आप ही तो गौ माता के प्रति प्रेम रखे हो, और आप तन मन से गोदान 5,00,000 रुपया आप रहे जो को गोदान इकटो हो, और छपरो है जो को आप गोदान बनीडो है। साथियों बहुत बड़ी बात करे ओम सा, ये जो जो टेंट शेड बनाना ये लगभग 5,00,000 रुपए की लागत से बना है, और ये आप सामी है, और इस 5,00,000 लागत में ओम सा पड़ी जो फेसबुक लाइव है उन लोगों ने लाइव देख देख करके ये जो टेंट शेड के लिए राशि दी है 5,00,000 रुपए बड़ी राशि होती है। फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मुझे यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था लगी। तो साथियों मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आज आप दान कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर आप दान करेंगे, ताकि शाम तक ओमसा को भी कुछ पता चले कि आज हमारी लाइव भी, इसलिए हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, इसलिए हम आप बार बार कवरेज कर रहे हैं कि यह मैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देख रहा हूँ गौ माता के लिए। भगवान कृष्ण ने यही उपदेश दिया था आपने कृष्ण उपदेश के अंदर कि गौ सेवा से बढ़कर के संसार के अंदर कोई भी सेवा नहीं है, इसलिए आज कुछ ना कुछ सहयोग जरूर कीजिए। और इस आज तक जिस भामाशाह ने पड़ी गौशाला के अंदर अपना तन मन सहयोग दिया उस सभी भामाशाहों का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ कि आपने अपनी नेक कमाई का हिस्सा इस गौशाला के अंदर दिया, और सही जगह आप ये गौशाला आपके से यूज हो रहे हैं। अशोक कुमार पूनिया पड़ी।